दोस्तों यू कैन अन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आपको अपडेट करने जा रहा हूं एक ऐसी जानकारी को लेकर जिसमें आप काफ़ी खुश होंगे। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 15 लाख महिलाओं को 3 साल में लखपति बनाएगी उत्तर प्रदेश सरकार। जाने क्या पूरा प्लान है। आने वाले समय में सभी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं ही नहीं बल्कि और भी महिलाएं अपने मन मुताबिक काम को कर सकती हैं, सरकार के द्वारा सीधे तौर पर नियुक्त किया जाएगा। निवेदन करते हैं अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके की लाभदायक जानकारी आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। यूपी सरकार अब महिलाओं को आर्थिक रूप से और सक्षम बनाने के लिए लखपति महिला कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। इस कार्यक्रम के जरिए शुरुआती 3 वर्षों में 15 लाख महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा। ऐसे प्रयास किए जाएंगे कि उनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से अधिक पहुंचाई जा सके। इसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को सौंपी गई है। इतना ही नहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ट्वीट के माध्यम से बताया गया है कि इस तरीके से आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र के सामने इस कार्यक्रम की रूपरेखा के संबंध में प्रस्तुतीकरण किया जा चुका है। इसको मिशन मोड में लागू कर जल्द ही नतीजे हासिल किए जाने की योजना है। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपको इस वीडियो में कुछ खास मिलने वाला है। 11 जिलों में किस तरीके से इस योजना की शुरुआत की जा चुकी है। पहले चरण में 11 जिलों में इसकी शुरुआत की जाएगी। इसमें वाराणसी और प्रयागराज के अलावा अलीगढ़, सुल्तानपुर, बहराइच, बांदा, बस्ती, लखीमपुर खीरी, मिर्ज़ापुर, हमीरपुर और सोनभद्र शामिल हैं। इन जिलों में चरणबद्ध तरीके से अभियान चलाकर स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को चिन्हित किया जाएगा। उन्हें विभिन्न प्रकार की योजनाओं से जोड़कर वार्षिक आय में बढ़ोतरी का प्रयास किया जाएगा। साथ ही उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। टास्क फोर्स करेगी समीक्षा। जी हाँ दोस्तों, ये सभी योजनाएं ऐसे ही नहीं ठंडे बस्ते में जाएंगी, इसकी समीक्षा भी एक टास्क फोर्स के माध्यम से कराया जाएगा। दोस्तों आपको बताऊं तो इस कार्यक्रम को जल्द से जल्द नतीजे तक पहुंचाने के लिए समय सीमा भी निर्धारित की गई है। इसके तहत जिला और विकासखंड स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। 15 नवंबर तक जिला एवं विकासखंड स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। 30 मार्च के बाद इसकी समीक्षा भी की जाएगी। जिला स्तर पर जिलाधिकारी टास्क फोर्स के अध्यक्ष होंगे जबकि मुख्य विकास अधिकारी सचिव होंगे। उपायुक्त स्वतः रोजगार, उपायुक्त मनरेगा इसके सदस्य होंगे। इसके अलावा कृषि विकास, बागवानी, पंचायती राज, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, मत्स्य पालन, पशुपालन के सदस्य भी इस टास्क फोर्स में शामिल होंगे। इस टास्क फोर्स का कार्य प्रगति की मासिक समीक्षा भी करना होगा। टास्क फोर्स का काम लखपति महिला एप्लीकेशन पर विकासखंड के सभी स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों को स्वघोषित आय को अपलोड करने की समीक्षा करना एवं मनरेगा में सम्मिलित निजी एवं सामूहिक आजीविका संवर्धन योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करना होगा। दोस्तों मैं बता दूं किस तरीके से स्वयं सहायता समूहों को इन योजनाओं से संबल। दोस्तों इतना ही नहीं, किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्वयं सहायता समूहों को मिल रहा संबल, यानी कि 45,000 से ज़्यादा बैंकिंग कस्बन सखी बहनों की नियुक्ति की जा चुकी है। 31 लाख से अधिक निराश्रित महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन दिया जा रहा है। 10 लाख स्वयं सहायता समूह बनाकर 1 करोड़ महिलाओं को जोड़ा गया। महिला स्वयं सहायता समूहों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया गया। 5 लाख से ज़्यादा स्वयं सहायता समूहों को 758 करोड़ से ज़्यादा रिवॉल्विंग फंड दिया गया। करीब 3 लाख स्वयं सहायता समूहों को 3238 करोड़ रुपये का सामुदायिक निवेश निधि भी दिया गया। इतना ही नहीं दोस्तों, आने वाले समय में बहुत कुछ आपको स्वयं सहायता समूह के जरिए मिल सकता है। इसलिए मैं अपने हर एक वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ किस तरीके से एक अच्छी स्वयं सहायता समूह का गठन कीजिए और आने वाले समय में सरकार द्वारा लिए गए योजनाओं का मुफ्त में लाभ उठाइए और खुद लखपति बनिए। निवेदन करते हैं चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक भी करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।